नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और एक बहुत ही खूबसूरत पोयम इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ये एक बहुत ही फेमस पोयम है और ये लिखी गई थी बाय द ग्रेट इंडियन लीडर सरोजनी नायडू। इन्होंने वैसे बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, बहुत ही फेमस पोएट भी थी ये। ऑफकोर्स इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। तो इस पोएम को हम एनालाइज करेंगे। इसका जो मैसेज है वो बहुत सुंदर है, आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस पोएम को इंटरप्रेट कर सकते हैं और ओवरऑल जो पूरा ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है पोएम, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, स्टडी आई क्यू आपके साथ है। हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज आते हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, SSC, बैंक, RBI, ग्रेड भी, UPSC। तो आप विजिट कर सकते हैं studyiq.com या आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 स्टैंजा है इस पोएम के, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों स्टैंजाज को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं सरोजनी नायडू जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इन्होंने पार्ट लिया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बाद में ये गांधी जी की फॉलोअर भी बनी थी और इन्होंने स्वराज मूवमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। बाद में ये प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और बाद में इनको गवर्नर बनाया गया यूनाइटेड प्रोविंस का, जो बाद में उत्तर प्रदेश बना। ये पहली गवर्नर थी, पहली वुमेन गवर्नर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। और देखो, जो ये पोएम हम एनालाइज करेंगे इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये बेसिकली एक बुक का पार्ट है। इन्होंने एक बुक लिखी थी द बर्ड ऑफ टाइम, बहुत सारी पोएम्स थी इसमें, कलेक्शन था, उसमें से एक पोएम थी इन द बाजार्स ऑफ टाइम। और इनकी ऑलमोस्ट हर पोएम में आप कहीं ना कहीं इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसके आपको कुछ एक शेड्स मिलेंगे। हालांकि ये बहुत सारे विषयों पर पोएम लिखती थी, मगर बहुत सारी पोएम्स इन्होंने इंडिया का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रखने के लिए भी लिखी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका जीवन काल था फ्रॉम 1879 टू 1949, ऑलराइट। और इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था 1905। तो ऑब्वियस ही बात है कि भारत की आज़ादी इनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि सरोजनी नायडू जी को नाइटेंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय कोकिला भी कहा जाता था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनकी जो पोएट्री थी बहुत ही सुंदर थी, हर टॉपिक पे पोएम लिखती थी, बच्चों के लिए पोएम, नेचर के लिए पोएम, पेट्रियोटिक देशभक्ति की पोएम्स और प्यार पे पोएम, मृत्यु पे पोएम, और बहुत ही सुंदर पोएम्स थी। और पोएट्री का एक बहुत ही पुराना रिलेशन है नाइटेंगेल से। नाइटेंगेल एक बेसिकली चिड़िया होती है, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है। और आप देखोगे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही लंबे समय से नाइटेंगेल का काफ़ी एक स्पेशल एक रोल रहा है। जॉन कीट्स की एक लेजेंडरी पोएम है ओड टू अ नाइटेंगेल। तो हमेशा से कोई भी अगर खूबसूरत चीज़ दिखती है पोएट्स उसको नाइटेंगेल से कंपेयर करना पसंद करते हैं, तो इसलिए नायडू जी को नाइटेंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का एनालिसिस। ये है स्टैंजा 1। यहाँ पर बेसिकली हैदराबाद का जो बहुत ही फेमस बाजार है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और यहाँ पर क्वेश्चंस के ज़रिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर बेची जाती है। और हैदराबाद का बाज़ार इतना फेमस पुराने ज़माने में इसलिए था, आज के टाइम भी है, क्योंकि वहाँ पर वेरियस रिलीजन, वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है, ऑलराइट। तो ये पहली लाइन है, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स। अब ये जो ओ ये है, यहाँ पर ओ ये से ये बेसिकली सामने वाले आदमी को एड्रेस कर रहे हैं, ऑलराइट। ओ ये का मतलब है यू, तुम वहाँ पर क्या बेच रहे हो, मर्चेंट्स। मर्चेंट्स आपको पता है जो बिजनेसमैन होता है उसको मर्चेंट कहते हैं, ठीक है, जो मर्चेंडाइज बेचता है। तो उसके आगे लिखा हुआ है रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। अब वेयर्स का मतलब यहाँ पे है आर्टिकल्स जो सेल के लिए रेडी हैं, गुड्स, मर्चेंडाइज। मर्चेंट क्या बेचेगा, मर्चेंडाइज बेचेगा। तो उसने अपने सारे जो वेयर्स हैं वो डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। तो ये जो सवाल है कि आप क्या बेच रहे हो, उसका फिर जवाब आता है, मर्चेंट आता है टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। अब यहाँ पे इस पोएम में आप नोटिस करोगे वोकैबुलरी सरोजनी नायडू जी की कमाल की है। और यहाँ पर जिस तरीके से फ्लो है पोएम का और जिस तरीके से बाजार को डिस्क्राइब किया गया है वो अपने आप में काफ़ी मैग्निफिसेंट है। टर्बन ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर मतलब क्रिम्सन एक बेसिकली कलर होता है, लाल जैसा होता है, मतलब आप कह सकते हो डार्क रेड, क्रिम्सन कलर होता है। और सिल्वर कह रहा इस कलर की पगड़ी बेच रहे हैं हम यहाँ पे। फिर आगे लिखते हैं ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं फैब्रिक की, पर्पल फैब्रिक, बहुत ही शानदार फैब्रिक कपड़ा यहाँ पे बेचा जा रहा है। फिर आगे लिखते हैं मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, शीशे
जिसका जो पैनल है वो एम्बर से बना है, मतलब कि एम्बर आपको पता है बहुत ही एक प्रीशियस मेटल होता है, तो बहुत ही लग्जूरियस चीज़ भी यहाँ पे बेची जा रही है। फिर आगे लिखा है डैगर्स, डैगर्स होता है एक तरीके का चाकू होता है डैगर, जिससे आप किसी को मार सकते हो, वो आप सब्जी काटने के लिए डैगर का इस्तेमाल नहीं करते, बेसिकली लड़ाई में इस्तेमाल होता है डैगर। तो यहाँ पे लिखा है डैगर विद हैंडल्स ऑफ जेड, जेड भी आपको पता है बहुत ही प्रीशियस एक चीज़ होती है, तो जो उसका हैंडल है वो जेड से बना हुआ है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि बाजार कितना रिच है और कितनी मैग्निफिसेंट चीज़ें यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं, यहाँ पर बेची जा रही हैं। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वर हैं इस पूरी बाजार की और जो ऑब्जर्व कर रही हैं इस पूरे बाजार को, वो आगे जाती हैं, एक और सेक्शन देखती है, वहाँ पर उनको दूर से दिखता है सैफ्रॉन, लेंटिल और राइस। सैफ्रॉन आपको पता है केसर, लेंटिल दाल को कहते हैं हाई प्रोटीन दाल, और राइस आपको पता है चावल हो गया। फिर क्वेश्चन एक पूछा जाता है, व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स, मेडन होती है यंग वुमेन जो अनमैरिड हो अभी, ऑलराइट। तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ कुछ पीस रही थी, तो वहाँ से जवाब आता है सैंडलवुड, हीना और स्पाइस। फिर आगे एक और सवाल आता है, व्हाट डू यू कॉल ये पेडलर, और ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि साथ में कोई एक निराली चीज़ बेची जा रही है वो क्या है। तो वहाँ से आंसर आता है चेसमैन एंड आइवरी डाइस, ये जो बोर्ड गेम्स होती हैं वो बेची जा रही है। तो आप देखोगे हर स्टैंजा में बाजार कितना विराट है, बाजार में कितनी अलग अलग टाइप की चीज़ें बेची जा रही है उसके बारे में हमको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें हैं फाइनल स्टैंजा में एक बहुत ही बड़े मैसेज की तरफ भी हमको लेके जाएगी, मगर वहाँ तक पहुँचने से पहले तीन और स्टैंजा है उनको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो बाजार को ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति है वो और आगे जाता है, फिर एक प्रश्न पूछा जाता है व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड्समैन, गोल्ड्समैन मतलब सोनार, क्या बना रहे हो सोनार, ये इसे पूछा गया। वो जवाब देता है रिस्टलेट, रिस्टलेट होता है जो आप एक कंगन की तरह जो लड़कियां पहनती हैं। फिर है एंकलेट, एंकलेट पायल को कहते हैं, याद देखोगे ये है एंकलेट, रिंग, रिंग आपको पता है अंगूठी, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे बनाई जा रही थी और बेची जा रही थी। फिर आगे यहाँ पे लिखा है बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन, ये जो क्राफ्ट्समैनशिप है उसकी डिटेलिंग बताता है कि जो पिजन होता है कबूतर, कबूतर के जो पैर हैं उनके लिए भी बेल्स वहाँ पे बेची जा रही थी, एवरीथिंग फॉर एवरीवन। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए नायडू जी बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आगे लिखा है फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाइज विंग, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, डेलिकेट, कमज़ोर वीक इन द सेंस, वैसे वीक नहीं कि बीमार हो, बहुत ही आसानी से जो डैमेज हो सकता है। फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है और रात को काफ़ी बार ये पार्क्स में ये उड़ रहा होता है गर्मी के टाइम में और ये चमकता है दूर से, और ड्रैगन फ्लाई के जो पंख होते हैं वो अपने आप में बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको आप अगर छू देंगे तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इतने डेलिकेट बेल्स वो बना रहे हैं ब्लू पिजन के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है गिडल्स फॉर गोल्ड फॉर डांसर्स, तो डांसर्स कुछ एक पहनती हैं, एक कॉस्ट्यूम का उनका एक पार्ट होता है, वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। फिर है स्कैबार्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्कैबार्ड इसको कहते हैं मयान को, हमारे यहाँ जो मयान थी ज़्यादातर ये लेदर की बनती नहीं थी, हमारी मयान ज़रा जो इंडिया में यूज़ करते हैं ज़रा आप कह सकते हैं सख्त होती है, जो यूके में यूज़ करते हैं वो ज़रा फोल्डेबल मयान होती है। तो यहाँ पर वैसे स्कैबार्ड लिखा हुआ है, मगर जो मयान बेसिकली वो तलवार को रखने की चीज़ होती है, मगर वो बनाने का तरीका इंडिया और वेस्ट में काफ़ी डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें भी बाजार में बेची जा रही थी। फिर स्टैंजा फोर में एक क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, अब ये जो क्राई है ये नहीं है कि फ्रूटमैन रो रहा है, ये आपको बहुत ही आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आपने बाजार में काफ़ी बार देखा होगा, हम सब इंडियन हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि काफ़ी सेलर्स वहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख कर अपनी जो भी आइटम्स हैं वो बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये ले लो वो ले लो, उनका अलग ही एक अंदाज़ होता है। तो वैसे ही चीज़ एक करते हुए किसी ने देखा उस फ्रूटमैन को, तो एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स बनता है कि यहाँ पे आप क्या चीज़ ऑफर कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारे जवाब आता है सिट्रन, पोमग्रेट, सिट्रन बेसिकली होता है जिसमें सिट्रस हो, नींबू का जूस हो सकता है या नींबू से बनी हुई कोई आइटम हो सकती है, मौसमी संतरे से बनी हुई कोई आइटम जिसमें बेसिकली सिट्रस इन्वॉल्व हो, ठीक है। फिर उसके बाद म्यूजिशंस मिले, म्यूजिशन से पूछा गया कि आप क्या बजा रहे हैं, सरंगी बजा रहे हैं, वो ड्रम्स बजा रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आपके एग्ज़ाम में पोएम आती है। तो यहाँ पर सवाल आता है व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस, तुम क्या चैंट कर रहे हो,
चैंट, आपको पता है चैंटिंग होती है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम ओम ओम, ये चैंटिंग हो रही है। तो कुछ जादूगर कुछ चैंटिंग कर रहे थे, उनसे पूछा गया क्या चैंटिंग कर रहे हो, उन्होंने बताया कि हम मंत्र जप रहे हैं फॉर ईऑन्स टू कम, जो आने वाले कई सदियों तक असर करेंगे। ईऑन्स का मतलब यही होता है एक इनडेफिनेट टाइम, एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो बहुत ही लंबा चलेगा। फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, अभी आपने इलॉन मस्क की एक न्यूज़ सुनी होगी, इलॉन मस्क ने कहा है कि मैं मार्स पे लोगों को लेके जाऊँगा बहुत जल्दी। तो आपका एक मित्र कहता है कि अरे देखो ये न्यूज़ आई है, मतलब कि बहुत ही जल्द ह्यूमन बीइंग्स मार्स को कॉलोनाइज कर लेंगे। तो आप इस बात से एग्री नहीं करते, आप कहोगे इट विल टेक ईऑन्स फॉर दैट टू हैपन, अभी तो बहुत टाइम लगेगा वो होने में, अभी तो सिर्फ एक आदमी पहुंचेगा वापस आएगा, वहाँ पर इंसान को बसने में तो अभी ईऑन्स लग जाएंगे, एक इनडेफिनेट वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा। ऑल राइट, तो याद रखिएगा ये भी एक काफ़ी स्पेशल वर्ड है। फिर है फाइनल स्टैंजा, और यहाँ पे कहते हैं व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स विद टैसल्स ऑफ एजूर एंड रेड। तो कुछ फ्लावर गर्ल्स हैं वो कुछ वीव कर रही हैं, और जो कलर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं अजूर, अजूर बेसिकली ब्लूइश होता है, रेड रेड होता है। फिर वो जवाब देती हैं कि हम जो शादी के लिए हम एक मटेरियल तैयार कर रहे हैं फ्लावर से, और हम बेड के लिए गारलैंड्स तैयार कर रहे हैं। फिर यहाँ पर फाइनल जो ये लाइन है, शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्डन्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, मतलब कि यहाँ पर खुशबुओं से बनी हुई सुंदर चीज़ें बनाई जा रही हैं जो शादी किसी के वैसे रहने के लिए या फिर किसी के मृत्यु में भी इस्तेमाल की जाएगी। मतलब कि हमारा जो बाज़ार है वहाँ पे आपको इतनी सारी वैरायटी मिलती है कि हर ओकेजन के लिए आपको कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर मैं इस पोयम का जो एक और मीनिंग है वो समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे इंडियन बाज़ार को बहुत ही अच्छे से ग्लोरीफाई किया गया है, उसकी ग्रेटनेस को दिखाया है जो हम सब महसूस करते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आप MP के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, मैं दावा कर सकता हूँ आपके यहाँ बाज़ार कमाल का होगा, सब कुछ मिलता होगा और अपने आप में साइड होती होगी। हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मगर आई थिंक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बाज़ार होता होगा जो इंडिया में होता है। एक तो ये है, दूसरी बात ये है जैसे मैंने आपको पहले बताया था सरोजिनी नायडू जी एक फ्रीडम फाइटर थी, तो यहाँ पर वो एक तरीके से ब्रिटिश एम्पायर की जो मोनोपोली थी मैन्युफैक्चरिंग की उस पर भी निशान लगा रही हैं, और वो अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग से हम परे हट जाते हैं तो हमारे देश में भी इतनी कैपेसिटी है कि हम ही इतनी आइटम्स बना लेंगे कि इनकी आइटम्स तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हमारे देश में ही जो आज के टाइम में इनोवेशंस के बारे में हम रोते हैं, हमने इनोवेशन को लेकर इतनी प्रोग्रेस कर ली थी, फिर बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आई, अब आज के टाइम में हम इनोवेट इतना कर नहीं पा रहे। तो वहाँ पर हमको दिखता है कि हम लोगों ने काफ़ी कमाल की आइटम्स बनाई और हमारे जो मर्चेंट्स हैं इंडिया के, उन्होंने काफ़ी हद तक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको सेल किया। तो ये एक तरीके से कॉल है कि स्वराज मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंडियन मेड ज़्यादा खरीदना चाहिए और अपने बाज़ार को अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने एक तरीके से बहुत सारे जो ये एग्जाम्पल्स है उससे ये भी दिखाया है कि हमारे बाज़ार में क्या नहीं है। ऑलराइट, तो ये है इस पोयम का क्रक्स, और उम्मीद करता हूँ पोयम आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।